तो आज हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या करना, फिल करना ब्लैंक्स को। अब देखो 49 × 10, तो इसमें ये करने की झंझट नहीं कि 49 × 10 कर देंगे, हमें सिर्फ क्या है 1 से 9 को करना, तो 9 आएगा, 1 को 4 से कहेंगे 4 आएगा, 49, 1 0 है ना, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, हमें क्या करना था, 49 × 10 करना था ना, तो कितना होता, 490 हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि 0 है तो 0 लगा देना, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई है वो सेम नंबर आता है। अब यहाँ जो यहाँ तो 10 है, यहाँ 2070, अब मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा 2070 आ जाए, तो ये 1 0 है, यहाँ 1 है, तो कितना है 207 आ जाएगा। यहाँ देखो 207 और ये 0 इंटू कर देंगे तो ये वाला 0 तो बड़ा, इसका तो ये वाला 0 है, 1 का आप किसी से भी देखो 207 को अगर 1 से करोगे तो 70 वही रहेगा सेम, और ये 0 तो ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा। ओके, तो हमारा ये आंसर आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेंगे 207। अब यहाँ 36 × कितना है 100 है भाई, 36 को 1 से करो जरा, 36 × 1 = 36 होता है कि नहीं होता है। अब कितने जीरो, आपने जीरो देखने कितने जीरो हैं, यहाँ हमारे पास कितने जीरो हैं 2 0, तो पीछे लग जाएंगे 2 0, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखो 205 × 1000 है, तो हमें 205 को 1 से करना है पहले, अब 205 को अगर आप 1 से करेंगे तो 205 ही आएगा, और कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ऐसे यहाँ 87 × 100 है, तो 87 × 100, तो 1 2 कितने जीरो लगेंगे 2 0 लगेंगे। ओके, अब यहाँ देखो 339 × यहाँ पे क्या लिखें कि हमारा कितना आ जाए, इतना ही, तो हम देख रहे हैं कितने जीरो है भाई 1 2 3, कितने जीरो है 1 2 3 0 है, इट मीन्स क्या हुआ, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि 339 को 1 से करेंगे तो 339 है, 1 2 3 ये 3 0 हो गई।